परम पूज्य श्री भिक्षु के चरणम शीश नमाय सुमरे श्रद्धा भाव से हम पर कृपा रखाय भार माल ऋषि राय जय मघवा श्री महाशमण ऋषिपाल श्री सरदार गुलाब सती नवलाजी को नमन जेठा कान कवर चमको लाडा जी वंदन शतबार मुनिवर साधु वृंद सह नमन करो स्वीकार हम कथा सुनाते दिव्य नाम गुण धाम की हम कथा यह भव्य कथा है निस्पृहता निष्काम की यह भव्य कथा है निस्पृहता निष्काम की भरत खंडे आर्यावृत्ते मरुधर देशे थली प्रदेश एक नगरी है प्रख्यात लाडनो निष्काम की यह भव्य कथा है निस्पृहता निष्काम की तात सूरज मल जी पुण्यात्मा छोटी देवी थी धर्मात्मा दो पुत्रियों पर पुत्र अभिलाषा भाई भतीजे की थी आशा कन्या जन्म की सोच न पाई क्षणिक निराशा मन में छाई पंडित जी ने बात बताई शक्ति ज्योति का परिजन के वात्सल्य को पाके बढ़े कलावती जू कला द्वितीया के चांद की हम कथा सुना दे दिव्य नाम गुण धाम की यह भव्य कथा है निस्पृहता निष्काम की यह भव्य कथा निस्पृहता निष्काम की संकोच शीलता रही सदा विनय शीलता संग कुछ हम एक वर्णन करें तब जीवन के प्रसंग अंतर्मुखता थी मन हारी
तैयारी सगाई की हो रही तैयारी। पर वैराग्य भाव से भावित जीवन फुलवारी सगाई की हो रही तैयारी। अनुशासन को कभी न तोड़ा पितु आज्ञा से नाता जोड़ा। देख मातृका मन अकुलाया दर्शन का आदेश दिलाया। क्या करे बात हम गम्य अगम्य गुण खान की। हम कथा सुना दे दिव्य नाम गुण धाम की। यह भव्य कथा है निस्पृहता निष्काम की। यह भव्य कथा है निस्पृहता निष्काम की। ध्यान था नियमित जारी घर में खट न खटी एक भारी। चाचा जी की मृत्यु लख कर जान लिया संसार है नश्वर। एक एक पल जब लगा व्यर्थ तो अंतर शौर्य जगाया। शादी नहीं करनी है मुझको दृढ़ संकल्प सजाया। जीवन में ऐसा एक दिन आया। जीवन में ऐसा एक दिन आया। पिता के सम्मुख कलावती ने निश्चय साफ सुनाया। जीवन में ऐसा एक दिन आया। छुई कला की बात सुन पितु देखते ही रह गए। पाषाण हृदय तात भी बस सहम कर रह गए। पिता शीची की वो ठंडी नजरे देख पुलकित हुई कला। उन्मुक्त गगन के विहग को और क्या चाहे की आज्ञा पाकर प्रमुदित मन अब हुआ विकस्वर। गुरु चरणों में जाकर अब तो पाऊं ज्ञान की राशि। रतन अब विकास की खुली दिशा
आए आगे का वृतांत सुनाए। श्रोतागण, कला अब मुमुक्षु कला बन गई। शिक्षा और साधना के सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रशिक्षण द्वारा सर्वांगीण विकास की दिशा में द्रुत गति से आगे बढ़ने लगी। विनम्रता, अनुशासन, निष्ठा, श्रमशीलता और जागरूकता से सबका मन जीत लिया। संस्था काल में परिपूर्ण अध्ययन किया। केलवा में द्विशताब्दी समारोह का ऐतिहासिक प्रसंग, मुमुक्षु कला संघ 13 दीक्षार्थियों का खिला अभिनव रंग। कला बन गई साध्वी कनक प्रभा। गुरु तुलसी की प्रेरक सन्निधि, महासती लाडा जी की वात्सल्यमयी निश्रा, ज्येष्ठा भगिनी मंजुला श्री जी की देख रेख में प्रारंभ हुआ सफलता का सफर। कनक प्रभा रहती थी अपने आप में मस्त, ज्ञान ध्यान में व्यस्त, कषायों का मंदीकरण कर साधना पथ बनाया प्रशस्त। एक महीने के भीतर भीतर कर लिया दशवैकालिक कंठस्थ। गुरु तुलसी ने युगानुरूप खोजा एक कोहिनूर, सर्व विशेषतम विशिष्ट विशेषताओं से भरपूर। विक्रम संवत 2028 गंगा शहर माघ कृष्णा त्रयोदशी, एक अनिश्चित अकल्पित अचर्चित नाम सुन मन की कलियां विकसाई। अष्टम महासती के नाम की हुई गुरु श्री मुख से घोषणा, कनक प्रभा बन गई साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा। गुरु महाश्रमण की सन्निधि में चारों तीर्थ अमृत महोत्सव मिल के मनाते हैं। असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री का चयन दिवस साधु साध्वियां खुशियां मनाते हैं। चयन दिवस की अर्ध सदी का पर्व नारी शक्ति चरणों में आज बधाती है। शारदा स्वरूपिणी श्वेत वस्त्र धारिणी ब्रह्मचारिणी ये माता करुणा बरसाती है। सवेरे सती शेख रे तुम्हें प्रणाम, सुनिधि पाए आठोया हो। हे अहो भाग्य हमारे जागे, कला कथा कही कला के आगे। Bye.